हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको कहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज फोर साइड्स। और आपने पी क्यू आर एस को ज्वाइन किया, ए सी आपके लिए एक डायगनल है। अब उसके बाद आपको ये चीज़ें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट जब भी करते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, सेवन्थ चैप्टर कंप्लीट किया है, 8.1 की है, जिस पे हमें प्रूफ करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन शो करते हैं। तो गिवन में क्या दिखाओगे, ये सारी चीज़ें गिवन में आ जाएगी। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ओके, ये हमारा गिवन। इससे अलावा हमें कुछ गिवन में ना ही लिखना है और ना ही जरूरत है। उसके बाद आप लिखोगे टू प्रूव। टू प्रूव बहुत सिंपल है, बिकॉज जो प्रूफ करना है वही एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम आपको लिख देना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या है, एस आर को पैरेलल प्रूफ करना है ए सी के, एंड एस आर को प्रूफ करना है हाफ ए सी के। उसके बाद इसी तरीके से सेकंड पार्ट, और यहां पर थर्ड पार्ट आप लिख देना सेम टू सेम यहां से देखकर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो गिवन क्या है, मिड पॉइंट्स। प्रूफ क्या करना है, पैरेलल एंड हाफ ऑफ द डायगनल। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कुछ अभी लास्ट वीडियो में क्या करवाया था, मिड पॉइंट थ्योरम, उसी मिड पॉइंट थ्योरम का हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपका यहां से इनको इरेज कर रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। मैं आप डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप गिवन और टू प्रूफ अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, प्रूफ के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। और प्रूफ में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, ट्रायंगल दिखाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ट्रायंगल, क्योंकि एस आर की बात हो रही है, तो एस आर है ये वाला, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। हम दिखाएंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो ये आपके पास क्या है, गिवन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, गिवन। अब इसमें डायरेक्ट और कुछ प्रूफ नहीं करना, जस्ट आप अपनी थ्योरम को अप्लाई कर दो। कैसे करोगे, वी नो दैट अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये आपको लिखना है, ये एक तरीके से आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है, और ये आपको हर बार लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद तो अगर ऐसा है और ये दोनों मिड पॉइंट्स आपके पास हैं इस ट्रायंगल के अंदर और एस आर इसको ज्वाइन कर रहा है, तो आप यहां पे लिखोगे देयरफोर एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, इक्वेशन नंबर वन, एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर टू। देखो प्रूफ तो यही करना था, अब हमें इसकी जरूरत थोड़ा आगे दोबारा पढ़ने वाली है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिया। अब दूसरी बात, इसने क्या कहा कि पी क्यू को एस आर के इक्वल दिखाना है, पी क्यू को एस आर के इक्वल दिखाना है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
अब आपको जितना आपने यहां पे ये चार लाइनें की हैं वो सेम टू सेम पी क्यू के लिए करना है। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट के लिए आप यहां पे लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब कौन कौन से पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मिड पॉइंट्स बता दिए हमने, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये लाइन वी नो दैट, सेम टू सेम कंप्लीट लाइन लिखनी है। आप क्या लिखोगे, वी नो दैट आगे अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट। अब मैं इस लाइन को कंप्लीट लिखूं या फिर आप लोगों पर छोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे यहां पे, इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया, आप ऊपर से देखकर इसे कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या किया, ट्रायंगल दिखाया, मिड पॉइंट्स दिखाए दोनों साइड्स के, और उसके बाद रीजन लगा दिया। रीजन कंप्लीट लिखना, आप यहां से सेम टू सेम दोबारा यहां पर लिख लेना। उसके बाद अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब पी क्यू की बात हो रही है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के। ठीक है, इक्वेशन नंबर थ्री, एंड यहां पे लिखोगे देयरफॉर एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर फोर। अब एक बार देखो, देखो ये एक ट्रायंगल था, अगर मैं आपको थोड़ा अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपका इस तरीके से क्या है, ये एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका। पहले मैं इसकी बात करता हूं, ए डी सी, और यहां पे ये दो मिड पॉइंट्स हैं। तो ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या होता है, वो लाइन अपनी थर्ड लाइन के पैरेलल और हाफ। इसी का यूज करके हमने एस आर को पैरेलल भी दिखाया और डायगोनल का हाफ भी दिखाया। सेम कंडीशन हमने पी क्यू की यहां पे अप्लाई कर दी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, लेकिन हमें जो सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब इसे इरेज करने वाला हूं, आगे काम करना है। ठीक है, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर की तरफ से इरेज कर देता हूं ताकि हम अपना क्वेश्चन थोड़ा आगे शुरू कर सके। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे लिखना आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो यहां पे इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर फोर, एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के, और हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो आप यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड फोर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इसका इक्वेशन नंबर फाइव नाम दे सकते हो। तो यहां पर ये हो गया प्रूफ जो हमें करना था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आपने 8.1 में थोड़ा सा काम सीखा था, क्या सीखा था, अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। अब मेरा पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर पी क्यू और एस आर दोनों क्या हो चुकी हैं, इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। अगर ये पैरेलल भी हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेलल कैसे प्रूफ होगी, वो यहां से होगी। देखो एस आर किसके पैरेलल है, ए सी के, और ए सी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, इक्वेशन नंबर सिक्स। ठीक है, यहां तक अब आप लिख लो, नीचे का मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसको आप पहले लिख चुके हो या स्क्रीनशॉट ले चुके हो, मुझे इक्वेशंस की जरूरत थी इसीलिए मैंने पहले उनको इरेज नहीं किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना समझ आ गया। अब हमें तो क्या करना था, पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। अब यहां लिखो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल
पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब यहां पे लिखेंगे वो थ्योरम जिसके साथ हम प्रूफ करते हैं। सिंस द क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल शुड बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और यहां पे हमने तीनों पार्ट प्रूफ कर दिए, इसलिए आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, काफी इजी था। ओके और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता आपको ये डिफिकल्ट लगा होगा, थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ हो सकती है, लेकिन इजी था बिकॉज हमने तो सिर्फ दो थ्योरम का यूज किया, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम जिससे मिड पॉइंट ज्वाइन कराओ थर्ड साइड के वो क्या हो जाएगा पैरेलल एंड हाफ, उसके बाद आपने क्या यूज किया जब हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना था तो ये वाली थ्योरम यूज कर दी। तो यानी कि हम जो पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं चीजों का यूज कर रहे हैं, हमने कोई नया अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाया है, तो काम बड़ी आसानी से हो गया। स्टूडेंट्स, आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम जब समझाई थी तो मैं चाहता हूं कि उस थ्योरम को आप बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान से समझें और उसे बार बार खुद से बिना हेल्प लिए नोटबुक पर लिखने की ट्राई करें। ठीक है, और जितनी भी थ्योरम्स आप पढ़ते हो अपने मैथ के अंदर सभी थ्योरम्स के स्टेटमेंट अच्छे से याद करो, बिकॉज वो क्या बनती हैं बाद में जाकर रीजन। अगर आप रीजन कंप्लीट नहीं लिख पाते हो ध्यान से तो फिर आपका क्वेश्चन क्या होता है, अधूरा रह जाता है। आप प्रूफ कर देते हो लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो आपको मार्क्स कंप्लीट दिलवा सके, फिर आप कहते हो कि मार्क्स कट गए, मैंने कंप्लीट पेपर किया था, पूरा क्वेश्चन किया था, आंसर भी निकाला था लेकिन मार्क्स कंप्लीट नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है और आई होप आप अपने आसपास सफाई रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।